जितना एहतराम अम्मी का मैं करता हूँ, परवेज भी उतना ही एहतराम करता है अम्मी का। इसीलिए मुझे मालूम है कि मुझे क्या करना है। परवेज तो बहुत ही मासूम इंसान है, उन्हें दोस्त और दुश्मन की कहाँ पहचान। तो माँ आप क्या चाहते हैं? मैं हमेशा बस छुट्टियाँ सैंक्शन करता रहा करूँ या कर्जों की दरख्वास्तों को अप्रूव करता रहा करूँ, बस यही करता रहा करूँ? बेटा ये भी बिजनेस का हिस्सा होता है। आई सी, इसका मतलब है कि कोई चाहता ही नहीं है कि मैं बिजनेस के मामलों में दखल दूँ। आ जाओ बेटा। माँ जी वो तबीयत तो ठीक है आपकी, सुबह से आप आई नहीं बाहर कमरे से। बस बेटा ऐसे ही दिल नहीं किया मेरा। अच्छा वो आपसे एक बात पूछनी थी अगर बुरा ना माने। मेरा बच्चा तू मुझसे हर बात पूछ सकती है, पूछ। क्या पूछना चाहती? अम्मी जी वो मेरा मतलब है कि मैं ये पूछना चाह रही थी कि आपने शकीला और गुलाम मुस्तफ़ा की, अगर आप गुलाम मुस्तफ़ा को इतना पसंद करती थी तो आपने उन दोनों की शादी क्यों नहीं करवाती? प्यार होता तो रुकावट भी दूर हो जाती, मगर ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन तू ये सब कुछ क्यों पूछ रही है? प्यार नहीं था तो फिर ये दीवानगी कैसी? अगर ये दीवानगी ना होती तो मेरी शकीला इस तरह। अच्छा खैर छोड़, तूने मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया? तू ये सब क्यों पूछ रही है? शायद इसलिए कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरी जात उनके लिए खास है या शकीला की याद है। शक कर रही है? किसी ने कान भर दिए तेरे? शायद ऐसी ही बात है। फिर तो अच्छा किया जो तूने मुझसे ये सवाल कर लिया। देख बेटा, मेरे यहाँ रहने की वजह जग्गू की शकीला से एक तरफा मोहब्बत नहीं, बल्कि जग्गू का वो पछतावा है जो मेरी शकीला की मौत का सबब बना। या दूसरे लफ्ज़ों में तुम ये भी कह सकती हो कि मैं यहाँ इसलिए रह रही हूँ कि मैं दामादों के घर रहने से बेहतर समझती हूँ कि लोगों के सवालों के जवाब देती फिरूँ। अम्मी जी अगर मेरी बात से आपका दिल दुखा है तो मुझे माफ़ कर दें। नहीं बेटा, अच्छा किया तूने बदगुमानी को दिल में जगह देने से पहले ही जबान पर ले आई। दिल इसी तरह साफ रहते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बस बेटा तू दुआ कर के मुझे मेरा घर जल्द वापस मिल जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि अब इस घर में रहना मेरा मजीद मुमकिन नहीं रहा। मुझे भी यही लगता है, लेकिन आप ये तो नहीं समझ रही ना कि इसकी वजह मैं हूँ। नहीं, तू बैठ मेरे पास आज। मुझे तो मैं तय कर परेशानी है, कोई टेंशन है? राहिला काफी गुस्से में थी। गुस्से में कर रही थी? टेंशन परेशानी क्या कह रही हो तुम? जी अम्मी काफी गुस्से से कह रही थी कि तुम कभी राजी मत होना, किसी को मनमानी करने नहीं देना। देखिए अम्मी मैं भी इस घर की फर्द हूँ, बहू हूँ, मुझे भी पता होना चाहिए कि घर में क्या परेशानी है। बेटा कोई बात नहीं है, लेकिन राहिला। जी अम्मी अभी थोड़ी देर पहले मुझसे उसने कहा है, तो बल्कि ये कहना चाह रही थी कि अगर आपको मुझसे कोई शिकायत हो तो आप मुझे मुंह पे कह दिया करें, मैं नहीं चाहती कि आप मुझसे खफा हो। नहीं बेटी,
मुझे तुमसे ना कोई नाराजगी है ना कोई शिकायत है, बस एक बात मैं तुम्हें अच्छी तरह से समझा देना चाहती हूँ। कौन सी बात? देखो बेटा, मेरे दोनों बेटे, ना सिर्फ मेरे बल्कि दोनों एक दूसरे की ताकत हैं जब तक इकट्ठे हैं, और मैं ये नहीं चाहती कि वो दोनों एक दूसरे से हट कर सोचें, इसलिए कभी उन्हें अलग करने की कोशिश मत कर। अल्लाह ना करे मैं दोनों भाइयों में तफरीक डालने से पहले मैं मर जाना पसंद करूंगी, लेकिन क्या ये बात आपने राहिला को भी समझाई है? राहिला को ये सब बहुत अच्छी तरह याद है, क्योंकि मैंने उस वक्त उसको ये बात बताई थी जब वो दुल्हन बनकर इस घर में आई थी। ठीक है अम्मी, फिर मेरा भी आपसे वादा है कि आपका जो हुक्म होगा उसकी तामील होगी और आपको मुझसे कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। शाबाश बेटा, अच्छी बहुएं ऐसी ही होती है। अरे बहू रानी, क्या क्या बताऊं? अरे ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी कि इस बदमाश जग्गू को मैंने अपनी बेटी का हाथ दे दिया। अल्लाह की कसम। अरे बुआ, जग्गू को तो जमाना जानता था और तुमने फिर भी इतनी बड़ी भूल कर दी। सच सच बताती हूँ बहू रानी, ये जो गुड्डो है ना, मेरी हम उम्र, अरे बहुत पक्की दोस्ती, और कहते हैं ना दोस्ती आस्तीन का सांप होते हैं, इसने बड़े प्यार से मीठे बोल से मुझे शीशे में उतार लिया और जग्गू की माँ बनकर आ गई और भाई मेरी बेटी का रिश्ता मांग लिया। अब शकीला की बेवकूफ़ी देखो, कहने लगी जग्गू तो मोहम्मद अली लगता है और मैं जेबा। देख लो। अरे फिर क्या हुआ शादी के बाद? फिर क्या होना था बहू रानी, वो जेबा भटियारन बनकर रह गई और जग्गू, जग्गू के पास तो सर छुपाने के लिए घर भी नहीं है, ये है हमारा नसीब। अरे बुआ, लेकिन जग्गू ने इस गुड्डो को क्यों सीने से लगा रखा है? हाँ, माँ बना कर रखा है उसको। माँ? इतनी हसीन और जवान माँ, वाह। रहने दो बहू रानी, हसीन और जमाल तो हम भी थे, दोनों एक साथ गए, बस ये कि जरा गमों ने धूपों में फिर फिर के मेरी चमड़ी काली हो गई, मेरा कद घट गया, वजन बढ़ गया। और गुड्डो है ना, उसकी लड़कियां तो बाहर लंदन में रहती हैं, वहां से सामान मंगाती हैं रंग गोरा करने का, अब हमें बेनसीब, पहले हम भूखे रहते, हम क्या रंग गोरा करने का लगाइए। वैसे बुआ एक बात बता दूं मैं, ये मुझे माँ बेटा नहीं कोई और ही चक्कर लगता है। हाँ? जरा नजर रखना इन पे। अच्छा, अरे आप, ये जल्दी, खैरियत तो है? क्या हुआ? कुछ नहीं, बस मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। सर में दर्द? और ये दवाइयाँ क्या डॉक्टर के पास गए थे आप? हाँ वो बस। क्या बस, बताएं तो सही मुझे। पता नहीं यार, बस वो मैं दुकान पे बैठा हुआ था तो अचानक क्या हुआ कि मुझे नहीं पता, साथ दुकानदार आए, उन्होंने मुझे उठाया और डॉक्टर के पास ले गए। क्या लोग लेके गए? इसका मतलब है आपकी तबीयत बहुत खराब हो गई होगी। क्या बोल रहा है डॉक्टर? कुछ नहीं, ये दवाइयां दी हैं और इतने महंगे महंगे टेस्ट लेती है। कराया टेस्ट आपने? कहाँ से करवाऊँ? हाँ कहाँ से करवाऊँ बताओ, दुकान वैसे ही नहीं चल रही है, कारोबार ठप हुआ हुआ है, दुकानदार उधार देने को तैयार नहीं है, इतने महंगे महंगे टेस्ट कैसे करवाऊँ? अब टेस्ट तो कराना होगा ना, महंगा हो या सस्ता जरूरी है ना। इधर इधर दूध दे, जाओ जाके पानी लेके आओ मेरे लिए, महंगे महंगे टेस्ट है, टेस्ट करवाना जरूरी है, वैसे है नहीं। यहीं बैठे हैं आप?
हाँ सही है, अंदर तो गर्मी भी इतनी है, इतनी घुटन है। खाली मैंने दबा लो, पानी पीना है। अच्छा अब तो बता दें डॉक्टर क्या बोल रहे हैं। कुछ नहीं, ये दवाएं शुरू की हैं, वो कह रहा है कि टेस्ट करवा लें, रिपोर्ट्स आएंगी उसके बाद इलाज शुरू होगा। एक तो ये डॉक्टर भी इतने सारे टेस्ट लिख देते हैं, मरीज वैसे ही आधा बीमार हो जाए। दुकान पे कौन है? कोई नहीं है दुकान पे, परवेज से कहो कि जाके दुकान पे बैठे। अच्छा मैं बोलती हूँ परवेज भाई को। सर में बहुत दर्द हो रहा है ना, मैं दबा दूँ? दबा दूँ? क्या हो गया अचानक? अरे अल्लाह, अरे मैं मर गई, अरे मेरा सर, अरे लगता है मेरा दम खत्म है। ओए मेरा सर, या अल्लाह, तकलीफ, डॉक्टर के पास चले। मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे सर में बहुत दर्द। मैं सर दबा रहा हूं, सर दबा रहा हूं, मेरा दम निकल रहा है मुझे। नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सर दबा रहा हूं। जी जी भाभी, क्या हो गया? परवेज भाई आपके भाई की तबीयत बहुत खराब है, दुकान पे आप जा सकते हैं? सर मैं बहुत भाभी वो हाय मैं मर गई, उसकी तबीयत बहुत खराब है, मेरी जान जा रही है सर, मैं बहुत शदीद दर्द हो रहा है, क्या करूं? हाँ सर दर्द की गोली और गरम चाय ले आती हूँ, उससे ठीक हो जाएगी नरगिस। जी जी भाभी ठीक है। हाय मेरा दम निकल गया, हाय मुझे क्या हो रहा है? मैं दबा देता हूँ, लेट जाओ ना, लेट जाओ। हाय हाय मैं मर गई, हाय आज मैं गई लगता है, मेरा दम निकल गया। भाभी ला रही है गोली, ला रही है, अभी सब सही हो जाएगा, ठीक से दबाओ ना। दबा रहा हूं। हाय अल्लाह, अरे दामाद जी को क्या हो गया? अरे दामाद जी, अरे जल्दी को यहाँ सहारा दो। आई सुनो, ये देखो देखो मुस्तफा, क्या हुआ बेटा? मुस्तफा जल्दी आंखे को, बब्बू पानी लेकर आ, पानी लेकर। पागल, ये शायद ऊपर बुआ, पानी लेकर आओ जल्दी से। मुझे लगता है ये पापा क्यों नहीं आ रहा? अरे पब्बे ने पता नहीं देर कर दी, कहाँ मर गए, कम बगल में लेकर आते पानी। पब्बे आंखे खोलो बेटा, बेटा आंखें खोलो। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है कि आप इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं। अच्छा जब आप साइन कर लेंगे ना तब आप खुद बताइएगा अम्मी को। हाँ अम्मी बहुत खुश होंगी, और पता है तुम्हें इस अग्रीमेंट की खुशी में हमारी कंपनी एक बहुत बड़ी सेलिब्रेशन कर रही है। वाओ मजा आएगा, हम सब चलेंगे, ठीक है? बस दुआ करो कि सारे मसले हल हो जाएं। एक इशू है, बैंकॉक जाना पड़ रहा है एक काम से। मान तो नहीं रहा मगर काफी प्रेशर है मुझ पर। नहीं नहीं आपको कोई मानने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा राहिला। मैं आपको कह रही हूं ना, जैसा मैं कह रही हूँ ना वैसा ही करें। मगर वगर कुछ भी नहीं, बिल्कुल डटे रहिएगा और मनवा कर ही छोड़िएगा, अरे हक है आपका। क्या तो तुम ठीक रही हो। ठीक है, अच्छा खुदा हाफिज़। ये क्या मनमाना चाह रही है? मैं खामखी सन्ना पेश करती रही, पटवारी के लिए अदनान को ये भड़का रही है राहिला। गुलाम मुस्तफा आंखें खोलो। अरे ये तो बुखार में तप रहा है, कहाँ रह गई है शकीला? गुलाम मुस्तफा बेटा आंखें खोलो। तोबा तोबा गुड्डू, पता नहीं क्या समझा मैं अपना। अम्मा डॉक्टर तो नहीं बैठा हुआ अस्पताल में, क्या करूं अब मैं? मुस्तफा कहाँ है? कमरे में है, गुड्डू ले गई है, सर दबा रही, जाके देख ले। तो लेके गई है तो आपका काम था ना कि आप साथ जाती वहां पर, बुराई करने के लिए खड़ी हो गई तुम्हारा अम्मी से क्या? शकीला बेटा तेरा मियाँ बुखार में जल रहा है, जल्दी से ठंडा पानी लेकर आ। अब यहाँ क्या खड़ी हो? पानी लेकर आओ। अरे लेकर आती हूँ पानी, चल चल। आए आए मैं मर गई,
संभालो खुद को नरगिस, संभालो। नहीं नहीं, अल्लाह अल्लाह ना करे। अच्छा डॉक्टर के पास चलते ना। क्या सोच रहे थे? हाँ, मैं टैक्सी रुकवाता हूँ। तुम संभालो खुदा के वास्ते अपने आप को। मैं यूं या यूं आया, तुम संभालो। आए, 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 मर गई, आए। तुम सिर्फ मेरे हो परवेज। परवेज भाई। जी भाभी। हाँ, आपके भाई की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें अस्पताल ले जाएं। भाभी, वो नरगिस की तबीयत बहुत खराब है, आप भाई को ले जाए ना। मैं अकेले कैसे लेकर जाऊंगी उन्हें? नरगिस के पास मैं बैठ जाती हूँ। भाभी, उसकी तबीयत बहुत खराब है, वो तड़प रही है, उसे कुछ हो ना जाए। जी ठीक है, मैं अकेले देख लूँ। जी मेरे खुदाया। अरे भाई, ये घर है या यतीम खाना? खाने को कुछ मिल नहीं जा। फ्रिज में देखती हूँ। लगता है राहिला ने ये अपने खाने के लिए छुपा के रखा हुआ है। आहा, रजिया खाला, ये आप क्या कर रही हैं? खीर खा रही हूँ, नजर नहीं आ रहा क्या? क्यों, कोई एतराज है तुम्हें? नहीं, मुझे क्यों एतराज होगा? तो फिर इतने परेशान क्यों हो रही हो? मैं परेशान इसलिए हो रही हूँ कि आप यहाँ बैठ कर खाए ना। और ये लें, ये लीजिए, इससे खाइए। राहिला बेटा, एक बात तो बताओ, तुम इस घर में खुश तो हो ना? क्यों, इसमें हंसने वाली क्या बात है? क्योंकि आपका सवाल मुझे बिल्कुल एक लतीफे जैसा लगा। मैं संजीदा हूँ। देखो ना राहिला, तुम्हारी अम्मी ने तुम्हारी दो बहनें कत्ल होने के बावजूद तीसरी तुम्हारी शादी इस घर में कर दी। सौतेली हो ना इसलिए। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? ये घर तो इस काबिल है कि यहाँ अपनी बेटियाँ बेआई जाएं। तभी तो मेरी अम्मी ने तीसरी बेटी भी दे दी यहाँ पर, अपनी सगी बेटी के मरने के बावजूद। और वो तो बस रुकावट आ गए, वरना मेरी चौथी बहन भी इसी घर में बेआती। क्या, चौथी बहन जहाँ जेब के लिए? जी, और रजिया खाला ख्याल रखिएगा, मैं उन कमज़ोर बहुओं में से नहीं हूँ जो अपने ससुराल का नाम सुनते ही उनकी बुराइयाँ शुरू करते हैं। इसलिए मुझसे अगली बार ये सब बुराइयाँ मत करवाइएगा प्लीज़। अम्मी, आपकी दवा और पानी। राहिला सुनो। जी। अभी मैं इतनी लाचार नहीं हूं कि पानी और दवाई खुद ना ले सकूं। अल्लाह ना करे अम्मी। एक बात बताओ मुझे, क्या तुम नहीं चाहती कि जहां से बिजनेस में हिस्सा ले, कोई तजुर्बा हासिल करे, कुछ सीख सके? कैसी बातें कर रही हैं अम्मी, मुझे क्या लेना देना बिजनेस से? जो भी बिजनेस कर रहा है या नहीं कर रहा, मैं क्यों बिजनेस के झंबेलों में पड़ने लगे? जिठानी जो घर में आ गई है, तुम्हें फिक्र पड़ गई होगी, तो मुकाबला होगा एक दूसरे को नीचे दिखाने का। मैं मुकाबला करूंगी सना से। अम्मी आप मुझे ऐसा समझती हैं? दिव्यांग जिठानी के रिश्ते का ये फितरी तकाजा है जो तुम्हें मजबूर कर रहा है सना को नीचे दिखाने का। आपको बिल्कुल गलत लग रहा है, मेरा और सना का कोई मुकाबला नहीं। अम्मी क्यों, उसे हकीर समझती हो? कहाँ की बात कहाँ ले गई हैं आप, मेरा तो मतलब था कि मैं तुम्हारे कहने का मतलब वही था जो अम्मी कह रही है। मुकाबला तो उससे किया जाता है जो मुकाबिल हो। तुम तो शुरू से इस घर की चहेती हो ना, और मेरे तो कोई रिश्तेदार भी नहीं रहते अमेरिका यूरोप में जो तुम्हारी बहनों की तरह मुझे यूरोस और डॉलर्स भेजे। एक खाला है जो इस घर की दहलीज पे पड़ी है, इसीलिए तुम्हारा और मेरा कोई मुकाबला नहीं है ना। सना, बातों का रुख बदल कर आग मत लगाओ प्लीज। अम्मी, मेरी खाला मजबूर होकर इस घर में रह रही है, ये उसी का फायदा उठा रही है ना। देखो राहिला, मैंने तुम्हें बहुत पहले बता दिया था
कि मेरे दोनों बेटों में फर्क नहीं करना। अब तो जहांजेब ने अपना बिजनेस अलग कर लिया ना, अब जितना मर्जी भड़काओ अपने मियाँ को। भाई तबीयत कैसी आपकी? आए, आए मैं मर गई। क्या हुआ? क्या हुआ नरगिस? नरगिस क्या हुआ? मेरे पेट में सख्त दर्द उठ रही है। मगर मैंने उसे खुद अदनान को भड़काते सुना है। ठीक कह रही हैं भाभी। आप मुझे खुद बताएं ना कि राहिला शकीला की बहन है, वो चाहेगी कि जहांजेब का घर आबाद हो? कभी भी नहीं। रानी बेटी राज करे।